गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज जो हम स्टडी करने वाले वो कौन सा चैप्टर है? फ्लाइंग टुगेदर। एक साथ उड़ना। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। अब जब आप घर पे होते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या क्या काम करने के लिए बोलते हैं? होमवर्क, कि भाई आप जल्दी उठो, आप सही टाइम पे ब्रश करो, ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना। yes, और ये रूटीन में होती हैं, ये रोज़ होती हैं, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमारे पेरेंट्स या जो हमसे बड़े होते हैं वो हमको बोलते हैं कि आप ये काम रोज़ाना किया करो। और देखो तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। अब वो बोल रहे हैं कि तब क्या होता है कि जब आपसे कोई काम करने के लिए बोल जब आपसे कोई काम करने के लिए बोला जाता है और आप उस काम को नहीं करते हो। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, स्लीपी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। अब वो बोल रहे हैं कि एक डीप फॉरेस्ट में, मतलब एक घने जंगल में, एक क्या था, बहुत ही लंबा पेड़ था और उसकी जो ब्रांचेस थी, उसकी जो ब्रांच मतलब टहनियाँ थी, उसकी टहनियों में क्या था, उसकी टहनियों में बहुत सारी पत्तियां थी और वो ऐसा लगता था जैसे कि किसी मजबूत क्या है हाथ किसी ने फैला रखे हो। दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, दे फेल्ट सेफ देयर, वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। अब क्या था कि जो वो पेड़ था, उस पेड़ के जो टॉप में पेड़ के टॉप में बतखों का क्या रहता था, एक झुंड रहता था और उसमें एक बूढ़ी और बहुत ही चतुर चिड़िया, बुद्धिमान, चतुर बोल सकते हो या बुद्धिमान बोल सकते हो, वो चिड़िया वहां पर रहती थी। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. और जो वो बुद्धिमान जो चिड़िया थी, उसने क्या नोटिस किया कि जो पेड़ है, उस पेड़ की जड़ में एक क्या हो रही है, छोटी सी बेल पैदा हो गई है और उसने इस बेल के बारे में और जो उनके साथ जो चिड़ियाँ रह रही थी उस झुंड में, उनसे भी बात की। Do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. तो उस चिड़िया ने बोला कि भाई वहाँ पर क्या हो रही है, एक बेल हो रही है, हम सब उसको मिलके क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू माय फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो जो और चिड़िया थी, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही छोटा सा प्लांट है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा और इससे हमको क्या नुकसान हो सकता है। तो जो वो वाइज ओल्ड बर्ड थी, जो वो बुद्धिमान चिड़िया थी, जो बूढ़ी, उसने बोला कि ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ये क्रीपर क्या होता रहेगा, धीरे धीरे करके बड़ा होता रहेगा और उसके बाद हमारे लिए इसको उखाड़ना भी क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट, आस्क द गीज, व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू टू अस। लेकिन जो वो गीज थे, जो और बतखे थे, उन्होंने बोला कि ये हमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइट बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। तो उन्होंने क्या बोला, उस वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या बोला कि ये जो क्रीपर है, धीरे धीरे करके जब बड़ा होगा और पेड़ पे चढ़ेगा, तो इसके सहारे कोई भी हंटर या कोई भी शिकारी या कोई भी आदमी इस पेड़ पे चढ़ सकता है और हमको नुकसान पहुंचा सकता है और हमको मार सकता है। वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो जो और बतखे थे, उन्होंने बोला कि अभी हमको इस पे दया करनी चाहिए, ये बहुत ही छोटा पौधा है और अभी हम इसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, नाउ इट्स टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। तो जो बूढ़ी चिड़िया थी, उसने यही बोला कि अभी हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि जैसे जैसे ये क्रीपर बड़ा होगा, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। छोटा है तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। We will see, answered the birds, but they didn't destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब क्या होगा? जो old bird की जो advice थी, उसे उन्होंने अनसुना कर दिया और धीरे धीरे वो creeper क्या होने लग गया? मजबूत होने लग गया और वो पेड़ पर क्या होने लग गया? पेड़ पर स्प्रिंग की तरह क्या होने लग गया? चढ़ने लग गया। Winding है ना, तो winding का मतलब स्प्रिंग जैसा, वो गोल गोल छल्ले छल्ले टाइप से वो ऊपर चढ़ने लगा। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब जैसे जैसे क्या होता रहा, वो बड़ा होता रहा, वो स्ट्रॉन्ग होता रहा और एक रस्सी की तरह क्या होता रहा, मजबूत होता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, एक हंटर जंगल में आया और उसने ये सब देखा।
So this is where the wild geese sleep. He said to himself, when they came back in the evening, I shall catch them. अब उसने बोला, अच्छा, तो यहाँ पर रहते हैं ये सारे बतखें। अब मैं क्या करूँगा? शाम को आऊँगा और इन्हें पकड़ूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top. तो क्या हुआ? जो हंटर था वो पेड़ पे चढ़ा उस क्रीपर की सहायता से और ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. अब क्या किया? उसने पेड़ पे चढ़ा, अपना जाल को वहां फैलाया और नीचे उतर गया। In the evening, the geese returned home. शाम को वो बतखें वापस आई। They didn't notice the net. और उन्होंने जो नेट था उसे नहीं देखा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि यहाँ कोई चढ़ ही नहीं पाएगा, तो उन्हें कोई वहां पर चढ़ नहीं पाएगा। As they flew into the tree, जैसे ही वो पेड़ पे पहुंचे, उड़ के पेड़ पे आए, they were trapped. They struggled hard to get out but couldn't. अब वो क्या हुआ? जैसे ही वो पेड़ पे चढ़े, वैसे ही वो सब वहां पर क्या हो गए? फंस गए। और बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पाए। Help, help! cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब वो क्या ले? बचाओ बचाओ, हमें चिल्लाने लगा, हमारी मदद करो, क्योंकि वो क्या हो गया था? वो सब के सब शिकारी के जाल में फंस चुके थे। तो अब उन्होंने बोला, अब हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. तो जो वो बूढ़ी चिड़िया थी उसने बोला कि अब परेशान होकर कोई भी फायदा नहीं है। Long ago I told you to destroy the creeper, but you didn't. Now see that has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इसको डिस्ट्रॉय करो, लेकिन तुमने नहीं किया, मेरी बात को अनसुना किया, और अब क्या होगा? कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको पकड़ लेगा और मार देगा। We were foolish. Wept the birds. We are very sorry. We didn't listen to you. Please tell us what to do. अब वो बोल रहे हैं कि हम तो मूर्ख थे, हमने आपकी बात को नहीं सुना, लेकिन अब हमको ये बताओ कि अब हम कैसे बच सकते हैं। Then listen carefully. तो उसने बोला कि ध्यान से सुनो। Replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just fly straight. The hunter will not want dead birds. We will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect and dead birds. तो उसने क्या बोला कि तुम सब ये बहाने बनाना कि तुम सब मर गए हो। अब जब तो उन्होंने क्या सोचा कि जो हंटर होगा, हंटर चाहता है कि उसको जो चिड़ियाएं मिलें वो कैसी हों? जिंदा, मरी हुई ना हो। तो आपने सिर्फ मरने का क्या करना है? सिर्फ एक्टिंग करनी है या नाटक करना है। क्लियर है? यस सर। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। तो उन्होंने क्या बोला कि जब वो जो शिकारी होगा वो नीचे फेंकता रहेगा हमको एक एक करके, तो जैसे ही लास्ट वाली चिड़िया को वो नीचे फेंकेगा, हम सब उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. तो morning में क्या हुआ? Hunter वहाँ पर आया और पेड़ पे चढ़ा। He looked at the geese in the net. और उसने net में उन सब बतखों को देखा। They are all dead. वो सब मरे हुए थे। He muttered to the himself. उसने अपने आप से कहा। He threw them out of the net one by one. उसने net से एक एक करके सबको नीचे फेंकना शुरू किया। The birds lay still until the last one had been thrown down. और वो चिड़ियाएं सब तक लेटी रही जब तक कि लास्ट चिड़िया नीचे से ऊपर नहीं फेंक दी गई। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. जैसे ही लास्ट चिड़िया नीचे गिरी, सब ने अपने पंख फैलाए और सारे के सारे उड़ गए। The hunter was taken by surprise. और जो हंटर था वो आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। From the top of the tree he watched all the geese fly away. और पेड़ के ऊपर से वो सब देखता रहा कि सारी चिड़ियाएं क्या हो गई हैं? उड़ गई हैं। तो ये जो स्टोरी थी ये किसने लिखी थी? शिव कुमार ने लिखी थी। और ये जो स्टोरी थी ये पंचतंत्र की जैसे कहानियां हम पढ़ते हैं ना, पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है, जिसका कि टाइटल है अ वाइज ओल्ड बर्ड। अ वाइज ओल्ड बर्ड। क्लियर है? यस सर।